बच्चों, अब हम जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। मतलब हमको रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच में बच्चों रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ रियल डेप्थ एंड एपेरेंट डेप्थ। तो उसके लिए बच्चों हम इस फिगर को सबसे पहले स्टडी करते हैं। ध्यान से देखें, व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली इट इज़ अ बाउंड्री इंटरफेस विच सेपरेट टू मीडियम, एयर मीडियम दैट मीन्स रेयर मीडियम एंड वाटर मीडियम दैट मीन्स डेंसर मीडियम। एंड ऑब्वियसली इनसाइड दिस डेंसर मीडियम दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट, राइट? एंड इट इज ऑब्वियसली इट इज लाइज एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज व्यूड बाय समवन फ्रॉम द रेयर मीडियम, देन दिस ऑब्जेक्ट इज एपियर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन और ओरिजिनल पोजिशन। ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आपने देखा, ये हमारा पूरा एक बाउंड्री इंटरफेस जो दो मीडियम वाटर मीडियम और एयर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। देख सकते हैं कि इस डेंसर मीडियम में एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ से पड़ा हुआ है। जब कोई ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बच्चों स्लाइटली रेज्ड अपीयर होती है। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऑब्वियसली इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों ये जो भी कुछ हो रहा है किसके कारण हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे क्या होता है तो उसका भी मैकेनिज्म हम समझ लें। बच्चों ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, राइट? यहाँ से दो लाइट रेज चलती हैं। फर्स्ट लाइट रेज इज, देख सकते हैं कौन सा है, पी ओ। ऑब्वियसली इट इज मेड इंसिडेंट नॉर्मली, दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन इफ इट इज बैक इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन इट विल रिट्रेस द सेम पाथ। सेकेंड वाला जो बच्चों लाइट रेज है वो कौन सा है हमारा, पी क्यू, है ना? इस नॉर्मल पे बच्चों वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ऑब्वियसली इट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब इस रिफ्रैक्टेड रे को बच्चों बैक डायरेक्शन में हम लोग प्रोसीड करें तो ये कहाँ पे जाके मीट होता है, यहाँ पे। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पी की जो इमेज है बच्चों वो कहाँ पे अपने को दिखाई देती है, पी प्राइम पे। ये जो भी कुछ हुआ देख सकते हैं, इट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब और आगे बढ़ें, इस पूरी चीज को फिर थोड़ा सा ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, पॉइंट पी पे, मतलब फ्री सरफेस से यहाँ तक की जो हाइट है, ये जो डेप्थ है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल डेप्थ। इसकी इमेज कहाँ बनी बच्चों, पी प्राइम पे, मतलब फ्री सरफेस से यहाँ तक की जो हाइट है बच्चों ये क्या कहलाती है, हमारी एपेरेंट डेप्थ। और हमको इन्हीं दोनों डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हो गई कि रियल डेप्थ क्या है और एपेरेंट डेप्थ क्या है। बच्चों इस फिगर से देखो और क्या क्या चीज क्लियर हो रहा है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर एंगल ऑफ पी क्यू एंड विच इज इक्वल्स टू आई। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ इंसिडेंट, राइट? नेक्स्ट वन, एंगल ऑफ एम क्यू आर विच इज इक्वल्स टू आर। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? और आगे बढ़े बच्चों, तो एंगल ऑफ ओ पी क्यू which is equals to angle of P Q N which is equals to I. What is this? Alternative angle. और बच्चों फिर ध्यान से देखें तो angle of O P prime Q and M Q R which is equals to R. What is this? Corresponding angle. तो बच्चों इस पूरे फिगर से कितनी सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली, है ना? अब फिर ध्यान से देखें कौन सा फिनोमिना हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो कौन सा लॉ हमारे सामने आता है, स्नेल्स लॉ। व्हाट डू मीन बाय स्नेल्स लॉ? तो क्या पढ़ा था बच्चों अपन ने कि म्यू विच इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। अब ध्यान से देखें जो लाइट रेज है वो वाटर मीडियम से कहाँ जा रही है, एयर मीडियम में, राइट? अब हम यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएं बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, W mu A which is equals to sin I by sin R। लेकिन ये तो refractive index of air है with respect to water, हमको absolute form की बात करनी है, that means refractive index of water with respect to air। तो बच्चों देख सकते हैं हमने यहाँ पे principle of reversibility use किया है। क्या बोलता है, A mu W which is equals to 1 upon W mu A। ये वाली values बच्चों आप यहाँ पे substitute कर दें तो पलट के क्या हो जाएगा, A mu W which is equals to sin R by sin I। मतलब हमको दो चीज़ें बच्चों कैलकुलेट करना है, पहली चीज़ है हमारा साइन आर और दूसरी चीज़ क्या है, साइन आई। क्लियर? अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों फिर हम चलते हैं कहाँ पे, फिगर की तरफ। अब ध्यान से देखेंगे तो नाउ हियर एंगल इन ट्रायंगल ओ पी क्यू,
किसकी वैल्यूज निकालना है बच्चों यहाँ से, साइन आई की। तो बच्चों इस ट्रायंगल ओ पी क्यू से हम साइन आई की वैल्यूज निकालेंगे। जहां तक साइन आई की वैल्यूज की बात करें बच्चों, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन साइन आई विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ क्यू अपॉन पी क्यू। क्लियर हो गया। सेम चीज बच्चों हम यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल आपको दिख रहा है कौन सा है, इन ट्रायंगल ओ पी प्राइम क्यू वैल्यूज निकालना है हमको किसकी, साइन आर की। वन सेकंड इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ क्यू अपॉन पी प्राइम क्यू। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। फिर ध्यान से देखें तो हमने फर्स्ट ट्रायंगल ओ पी क्यू में बात किया था साइन आई विच इज इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन पी क्यू, एंड सेम एज इन ट्राइंगल ओ पी प्राइम क्यू में साइन आर विच इज इक्वल्स टू कितना है, ओ क्यू अपॉन पी प्राइम क्यू। ये दोनों वैल्यूज बच्चों हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो देख सकते हैं ओ क्यू क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, दैट मीन्स ए म्यू डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में, पी क्यू अपॉन पी प्राइम क्यू। अब बच्चों देख सकते हैं कि इफ इन केस इफ दिस पॉइंट क्यू इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ, अगर किसी कंडीशन में बच्चों ये जो क्यू पॉइंट है अगर ये ओ के बिल्कुल क्या हो, पास में हो, नाउ दैट टाइम दिस डिस्टेंस पी क्यू इज नियरली अप्रॉक्स टू किसके, पी ओ के, एंड सेम एज पी प्राइम क्यू कैन बी नियरली अप्रॉक्स टू किसके, पी प्राइम ओके। तो बच्चों वही एजम्पशन हमने यहाँ पे लिया भी है, इफ पॉइंट क्यू इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट ओ, नाउ दैट टाइम पी क्यू कैन बी नियरली अप्रॉक्स टू पी ओ, एंड पी प्राइम क्यू इज नियरली अप्रॉक्स टू पी प्राइम ओ। तो बच्चों यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, क्या हो जाएगी हमारी अगली स्टेप, एम यू डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन पी प्राइम ओ। फिर बच्चों फिगर को क्लियर करो, O से लेकर P तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स पी ओ किसके इक्वल है बच्चों, H के, और P प्राइम O की बात करें बच्चों वो कितना है, H प्राइम, दैट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, पी ओ विच इज इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स रियल डेप्थ, एंड पी प्राइम ओ विच इज इक्वल्स टू एच प्राइम, दैट मीन्स एपरेंट डेप्थ। रख दीजिए बच्चों यहाँ पे, तो एम यू डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू एच बाय एच प्राइम, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में तो हमको यहीं तक आता है, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो यूज है वो हम इस तरह से करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है हमारा, ऑब्वियसली बॉटम में, और उसकी इमेज कहाँ बन रही है हमको, थोड़ी उठी हुई, तो उसका बॉटम से एक्चुअल शिफ्टिंग कितना हुआ है, वो शिफ्टिंग जब हमको कैलकुलेट करने के लिए आता है बच्चों, तो कई लोग उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, फटाफट प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, है ना, हमको लगता है पता नहीं कौन सा ट्रिक इसने यूज़ किया है। तो उस ट्रिक से भी आपको मैं रूबरू करा देता हूँ। देखो आपके लिए लिखा है मैंने यहाँ पे, क्या लिखा है, नॉर्मल शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों एक्चुअल उसकी हाइट कितनी थी, ओ पी, और एपेरेंट हाइट कितनी थी उसकी, ओ पी प्राइम, मतलब एक्चुअल हाइट में से एपेरेंट हाइट को आप क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, शिफ्टिंग, ठीक है, दैट मीन्स एक्स विच इज इक्वल्स टू ओ पी माइनस ओ पी प्राइम। बच्चों क्या किया मैंने यहाँ से, ओ पी को कॉमन निकाल दिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन माइनस ओ पी प्राइम अपॉन ओ पी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, क्या था, एम यू डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू पी ओ अपॉन पी प्राइम ओ, वहां पे क्या लिखा हुआ हमारा, पी प्राइम ओ अपॉन पी ओ, दैट मीन्स को वन बाय म्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं अपन पलट के, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा, ओ पी ब्रैकेट में वन माइनस वन बाय म्यू, वट इज ओ पी या पी ओ, क्या था बच्चों ये, रियल डेप्थ, दैट मीन्स एक्स विच इज इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में वन माइनस वन बाय म्यू। बच्चों इस फॉर्मूले से या इस डायरेक्ट ट्रिक से हम ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग कितना हुआ, दैट मीन्स इमेज कितनी हाइट पे बना है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना।